आपकी गलती की वजह से कॉपी चेकिंग के दौरान आपका 15 से 20 नंबर काट लिए जाते हैं। मतलब कॉपी चेकिंग के दौरान किसी विषय में 80 नंबर आ रहे हैं तो उसमें से भी 20 नंबर काट के आपको 60 नंबर दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से। अब स्टूडेंट फेल कब होते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई विद्यार्थी जी 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स तक वो कवर करके आए हैं, मतलब एग्जाम में उनका 100 मार्क्स का पेपर था, वो 100 में से 60 मार्क्स तक क्वेश्चन बना के आए हैं, कवर करके आए हैं, मतलब 100 नंबर वाला क्वेश्चन पेपर में से 60 नंबर तक उत्तर दे के घर आए हैं। अब कॉपी चेकिंग के टाइम 60 मार्क्स में से कट छट करके 45 नंबर बना, लेकिन आपके द्वारा कॉपी में किए गए ये सारे गलती की वजह से 20 नंबर और काट लिए जाते हैं और आपको 25 नंबर देके आपका कॉपी फेंक देते हैं। मतलब 100 में से 25 नंबर आपका आया, यानी आप फेल कर गए हैं। यानी आप अगर एग्जाम में 100 में से 60-70 नंबर तक बना के आते हैं और ये सारे गलती किए रहते हैं तो समझ जाओ भाई, आपका 25-30 नंबर से ज्यादा नहीं आने वाले, मतलब आप फेल हो सकते हैं। ओ भाई, आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हैं, वो कौन सी गलती है भाई जिससे 15 से 20 नंबर कट हो जाते हैं, तो आइए एग्जाम से पहले सीख लीजिए, तब आपका 15 से 20 नंबर नहीं कटेंगे। गलती नंबर 1, आंसर शीट में आंसर प्रेजेंट करते टाइम, कॉपी लिखते टाइम आपको दोनों साइड मार्जिन करके लिखना है, मतलब दोनों साइड थोड़ा स्पेस देकर लक्ष्मण रेखा खींच देना है, जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ये आप नहीं करते हो और ये आपका फर्स्ट गलती था कि आप कॉपी चेक करने वाले टीचर को सुविधा नहीं देते हो। भाई, टीचर को आप सुविधा देंगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो अब से आपको गलती नंबर 1 नहीं करना है, मतलब अब से आपको दोनों साइड स्पेस छोड़ना है। और हाँ, अगर कॉपी में पहले से ऑलरेडी मार्जिन छूटा है, स्पेस छूटा है, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर नहीं छूटा है तो छोड़ देना है। गलती नंबर 2, आंसर लिखने से पहले आप जो लिखते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, या सेशन ए, सेशन बी, या खंड अ, खंड ब, और प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर, लाइक जो भी, उन सभी को हेडिंग लाइन के साथ ब्लैक पेन से लिखना है, और जिस क्वेश्चन का, जिस टॉपिक का आंसर देंगे उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रदूषण की समस्या का आंसर लिखा है, ठीक है, तो हेडिंग में लिखेंगे प्रदूषण की समस्या और इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और हेडिंग लाइन खींच देना है। और इन सभी के बीच, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा खंड ब, फिर प्रश्न संख्या 1 के 7 का उत्तर, फिर लिखा प्रदूषण की समस्या, तो इन सभी के बीच एक लाइन का गैप रखना है, जैसे हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ये आप नहीं करते हो और ये आपका दूसरा गलती था। अच्छा, आपकी गलती नंबर 3, अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और उसका चित्र डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं तो आपको चित्र और डायग्राम बना देना है, गलत ही सही पर चित्र डायग्राम के साथ आंसर दे देना है। चित्र डायग्राम के साथ आंसर लिखना टीचर के नजर में बच्चे को टैलेंट माना जाता है। इन केस अगर टीचर समझ जाए कि बच्चे ने चित्र गलती बनाया है तो भी आपका नंबर कट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे देखो बच्चे को नहीं आता था चित्र डायग्राम बनाना, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश करके चित्र डायग्राम के साथ आंसर दिया है। और आपको पता है ना कि कोशिश करने वाले को हर कोई सपोर्ट करते हैं, तो टीचर आपके कोशिश पर नंबर देंगे। तो ये सब अगर आप नहीं करते थे तो ये रहा आपका गलती नंबर 3। अच्छा, गलती नंबर 4 जो है भाई, वो है एक क्वेश्चन की आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको 2-3 लाइन गैप रखना है, स्पेस रखना है, तभी दूसरा प्रश्न का उत्तर देना है, और ऐसा कॉपी में लिखे सभी प्रश्न के उत्तर के साथ ऐसा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो ये आपका गलती नंबर 4 था। तो जब जब आंसर कंप्लीट होगा तो आपको 2-3 लाइन खाली छोड़ना है, तब अगला प्रश्न का उत्तर देना है। गलती नंबर 5, आंसर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जो मेन कीवर्ड है, उसे पेंसिल या ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे माँ सरस्वती, आपके इस वीडियो को जो जो विद्यार्थी लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिखे जय माँ सरस्वती मेरा इतना नंबर आ जाए, जय माँ सरस्वती मेरा 400+ नंबर आ जाए, जय माँ सरस्वती मेरा 450 नंबर आ जाए, इस तरह से जो भी बच्चे लिखे उसे ना अच्छे नंबर से पास करा दीजिएगा, उसे अच्छे नंबर दे दीजिएगा। तो मेरे सभी विद्यार्थी जी, सरस्वती माँ के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में लिखें जय माँ सरस्वती।